तो मतलब क्यों काहे ऐसा हुआ काहे? सर पूरा बात तो अभी मामला आया नहीं, आज थोड़ा मुहर्रम था तो इसके लिए आज हम लोग इसको ज़्यादा ये नहीं किए, कल डिस्क्लोज होगा ठीक है, तो कल पता चलेगा कि मामला क्या है। ऐसे उनका किसी से लड़ाई झगड़ा तो था नहीं, अपने हिसाब से अकेले रहते थे, खाना पीना खाते थे। हाँ तो हम तो फोटो देखे थे, वही फोटो देखे थे जो सिंपल था एकदम, ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, सारा जीवन था। चलिए भगवान से और भगवान से प्रभु से यही मनाते हैं कि उनका आत्मा को शांति मिले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में, मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि जिधर मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई थी, उसी क्रम में तेज प्रताप यादव, जी हां, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव मुकेश सहनी से वीडियो कॉल पर बात करते दिखे हैं। तेज प्रताप कहते हुए दिखे हैं कि ये जो घटना हुई है इसको लेकर हम विधानसभा में सवाल उठाएंगे, सरकार की घेराबंदी की जाएगी। जहां ये मंगल राज और हमारे राज को जंगल राज कहते थे, आज देखिए कि ये महाजंगल राज कैसे हो गया है। अपराधी अब घूम रहे हैं, अब तो आम आदमी छोड़िए बड़े बड़े नेताओं के परिवार सुरक्षित नहीं है। और क्या कुछ कहते नजर आए तेज प्रताप मुकेश सैनी से, आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। पूरा बात तो अभी मामला आया नहीं, आज थोड़ा मुहर्रम था तो इसके लिए आज हम लोग इसको ज़्यादा ये नहीं किए, कल डिस्क्लोज होगा ठीक है, तो कल पता चलेगा कि मामला क्या है। ऐसे उनका किसी से लड़ाई झगड़ा तो था नहीं, अपने हिसाब से अकेले रहते थे, खाना पीना खाते थे। हाँ तो हम तो फोटो देखे थे, वही फोटो देखे थे जो सिंपल था एकदम, ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, सारा जीवन था। चलिए भगवान से और भगवान से प्रभु से यही मनाते हैं कि उनका आत्मा को शांति मिले। तेजस्वी जी गए हैं, वो आएंगे तो आपसे मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम।